अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड भी जो है खैर वाफियत से होंगे। आज का ब्लॉग जो है वो डेली रूटीन के बारे में है कि हम लोग क्या करते हैं और किस तरह बर्ड्स को जो है हम लोग ब्रीडिंग सीजन के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने जो है ट्रेज की प्रॉपर सफाई कर ली है और आपको ट्रेज वगैरह भी जो हैं वो क्लीन नज़र आ रही होंगी। ये सुबह सुबह के टाइम ही जो है हमें कर लेते हैं। इसके अलावा ये मैं लूसन लेके आया हूँ, ये देखें आप लोग, ये हमने सारे बर्ड्स को जो है सर्व कर दिया है और ये देखें बर्ड्स इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप अपने बर्ड्स को जो है ब्रीडिंग मोड की तरफ या ब्रीडिंग कंडीशन की तरफ जो है वो लाना चाहते हैं, इस तरफ जो है इनको भी डलना है। ये कुछ बर्ड्स हैं जिनके भी मैंने पेयरिंग्स जो हैं वो करनी है। और आप लोगों को मैं एक और भी टिप देता चलूँ, पेयरिंग के अलावा भी जो आपके मेन बर्ड्स हों उनको ज़रूर कुछ पीसेस जो है वो एक्स्ट्रा अपने पास रखा करें, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में कोई पता नहीं होता, लाइफ स्टॉक है, कोई भी आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है तो फिर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न कोई भी आपको जो है अच्छा रेडी टू ब्रीड बर्ड जो है वो नहीं मिलेगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है अपने कुछ बर्ड जो हैं उनको हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा रखा करें। ये देखें जी कितने प्यारे वो प्लाइन के पीसेज हैं, अमेजिंग कलर्स, ये देखें ज़बरदस्त बर्ड्स हैं माशाल्लाह क्वालिटी के हिसाब से। व्यूज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और ये सब रेडी टू ब्रीड बर्ड्स हैं, लटिनो अपलाइन है हमारे पास जो है, ये वॉलेट अपलाइन बर्ड्स है, वॉलेट यूविंग अपलाइन बर्ड है, ठीक है। तो इनके भी मैंने पेयरिंग्स करनी है। इसके अलावा ये कुछ पेल फेलोज अपलाइन के पीस हैं, ये देखें आप, इनमें अभी एज कम है, कुछ बर्ड जो हैं वो अभी मोल्ड पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ये भी कुछ पेल फेलोज के ग्रीन ग्रीन पेल फेलोज पे टॉपलाइन की पीसेज हैं, नहीं बल्कि फीमेल्स हैं दोनों, ये ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट B1 B2 हैं, दो इसमें लटिनो अपलाइन के पीस हैं और ये जो पार्बली अपलाइन के आपको नज़र आ रही है फीमेल, ये स्प्लिट पेल फेलो है, ठीक है। इस तरफ से हमारी मेन पेयरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे अच्छा लूसन इतना ज़्यादा डालने की भी नहीं ज़रूरत, या आप लोग देख रहे हैं कि बस जो है ना दो दो तीन तीन टहनियाँ जो हैं वो काफ़ी होती हैं बर्ड्स को डालने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा एक पेयर है पेल फेलो के लिए, पेल फेलो प्लाइन की वर्किंग का पेयर लगाया है, विजुअल पार्ब्लो प्लाइन पेल फेलो इंटू वॉलेट प्लाइन पेल फेलो का। तो इतना इतना लूसन जो है ना, देखें आप देख रहे हैं दो तीन टहनियाँ, इतने काफ़ी हैं, लेकिन ये ज़रूरी हैं आप अपने बर्ड्स को अगर ब्रीडिंग मोड की तरफ लाना चाहते हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक जो है वो हम बॉक्सेज इंस्टॉल कर देंगे, कुछ पेयर्स जो हमारे रेडी हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है कि एक दो मेरे पेयर्स जो हैं उन्होंने क्रॉस करना शुरू कर दिया, फीमेल ने नीचे ट्रे में जो है ना अंडे भी दे दिए थे जो कि टूट गया था। इस तरह के पेयर्स जो बिल्कुल रेडी हैं ब्रीडिंग के लिए उनको जो है हम लोग बॉक्स लगा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मौसम ठीक हो गया है। दूसरे एक है, अगर आपका कंट्रोल शेड है, एनवायरनमेंट आपका जो है वो ठीक है, आप एसी लगा सकते हैं दोपहर को, तो फिर आप लोग जो है बॉक्सेस भी लगा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वन गो में सारे बॉक्सेस नहीं लगाऊंगा, जो बर्ड्स मुझे लगेंगे कि तैयार है, मतलब मोल्ट उनका कम्प्लीट हो गया, उनको मैं लगा दूँगा। कुछ बर्ड्स जो हैं वो अभी मोल्ट पे हैं, जैसे मेरा ये पेयर आपको नज़र आ रहा होगा क्रीमिनो इंटू क्रीमिनो का, तो वो देखें फीमेल के सर पे अभी जो है बाल नहीं है, मोल्ड पे आई है फीमेल, जब ये कंप्लीट करेगी तभी मैं इसको जो है ना बॉक्स लगाऊंगा, वरना बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो व्यूअर सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये भी एक सारा गन निकला है ट्रेज में से, तो आप देखे होंगे जो हमारे फ्लाइंग हैं ये भी कम्प्लीटली इनकी जो है ट्रेज साफ़ हो गई हैं, ठीक है। इसमें भी देखे हैं बर्ड, ये देखिए कितना प्यारा बर्ड है वॉलेट ऑफ लाइन का, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी जो है वो पेनिंग हो गई है, ये वो पेयर है व्यूअर्स क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो रेड आइज, ये वाला जिसने जो है नीचे अंडा दे दिया था इस फीमेल ने, अल्बाइनो फीमेल है और क्रीमिनो का जो है वो मेल है। तो इस तरह के जो पेयर्स है ना जो आपको लग रहा है कि इनकी एज कम्प्लीट हो गई है, तो बजाय इसके कि आप अपने बर्ड्स के अंडे वेस्ट करें, आप उनको जो है वो बॉक्स सर्व कर दें। तो मैंने इंशाल्लाह कल वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा बॉक्स डिसइंफेक्ट थी, कल से वो धूप में पड़ रहे हैं, अब मैंने उनको उठवा दिया है,
कल इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन मैं कुपेक्स डाल के जो है ना आप लोगों को वीडियो बताऊंगा कल की, यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें, कि किस तरह हम नेस्ट बॉक्स तैयार करते हैं, उसमें नेस्टिंग मटेरियल किस तरह जो है वो करते हैं और किस तरह जो है वो बॉक्स इंस्टॉल करते हैं। तो कुछ पेयर जो है उनको मैं बॉक्स जो है ना वो लगा दूँगा, तो वो मैं आपके साथ जो है ना फिर वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, ये हमारी कॉलोनी में कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें से काफ़ी बर्ड्स हैं वो सेल आउट हो गए हैं, ठीक है, इसमें भी जो है वो पेल फैल हुए हैं, कुछ जो है वो मैंने अपने लिए होल्ड किए हुए हैं। मैंने आपको बताया ना एक्स्ट्रा बर्ड्स हमेशा होने चाहिए, एंड टाइम पे अगर आपके पास कोई खुदाना खास्ता बर्ड एक्सपायर हो जाता है तो फिर उस टाइम आपको जो है ना बर्ड नहीं मिलता। ये पॉसिबल ब्लू टू वर्किंग के बर्ड्स हैं, ये तो फॉर सेल नहीं है, मैंने अपने पास से जो है इनकी पेयरिंग करनी है, क्योंकि पॉसिबल ब्लू टू जो होता है जब तक कंफर्म ना हो जाए आपको कि वो ब्लू टू है कि नहीं है, तो बर्ड की बर्थ का जो है ना पता नहीं चलता। तो इनको तो जो है हम बॉक्स लगा के करके फिर ही जो है वो पता करेंगे कि ब्लू टू इनमें से कौन कौन सा है, कौन कौन सा जो है वो नहीं है। ठीक है, दो तीन पेयरिंग्स जो हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि थोड़ी सस्ती पेयरिंग है और आप लोग उससे जो है अच्छे बर्ड्स निकाल सकते हैं, उनमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो आप पेयर अप कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्रीन ऑफलाइन के साथ जो बर्ड बैठे हैं, ये हैं पेस्टेलिनो। अगर आप पेस्टेलिनो को पेस्टेलिनो के साथ लगा दें तो भी ब्लू टू वर्किंग का पेयर है ये। आपके पास क्रीमिनो भी आएंगे, अल्बाइनो रेड आइज भी आएंगे और पेस्टेलिनो भी जो हैं वो आएंगे, और इसमें से जो अल्बाइनो और पेस्टल ब्लू आएंगे वो दोनों बर्ड आपके पॉसिबल ब्लू टू होंगे। तो ये भी ब्लू टू वर्किंग के लिए एक सस्ती पेयरिंग है जो कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा तो क्रीमिनो टू क्रीमिनो या डेकिनो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। इसके अलावा मैं एक और आपको सस्ती पेयरिंग बताता हूँ पेल फेलो निकालने के लिए। ये आपको नीचे बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, इनमें काफ़ी बर्ड्स ऐसे हैं चाहे वो पारब्ल्यू हैं चाहे वो फिशरीज हैं जो पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो हैं। पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो का मतलब कि इनके जो पेरेंट्स थे वो स्प्लिट पेल फेलो इनटू स्प्लिट पेल फेलो थे। तो उसमें से जो पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो बर्ड निकलता है ना वो सस्ता होता है, क्योंकि पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो बर्ड की वही प्राइस होती है जो नॉर्मल इस बर्ड की होगी। ठीक है, तो इसमें से भी जो है वो पेल फेलो निकल आते हैं, तो ये बर्ड आपको नॉर्मल प्राइस पे ही जो है वो मिल जाता है। तो बजाय इसके कि आप इन नॉर्मल बर्ड्स का पेयर लें, आप ब्रीडर से वो बर्ड ले लें जो पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो हों, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास अगर आपकी लक अच्छी है, जैक लग गया, एक भी आपके पास पेल फेलो उसमें से निकल आया, तो एक तो पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो जो है वो कन्फर्म हो जाएगा आपका स्प्लिट पेल फेलो में, सेकेंडली आपके पास जो है एक सस्ती पेयरिंग से महंगा बर्ड जो है वो निकल आएगा। तो ये वाली जो दो पेयरिंग मैंने आपको बताई है ना, ये थोड़ी सस्ती पेयरिंग है जिसमें से आप अच्छी और महंगी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ क्रीमिनोज और अल्बाइनोज के बर्ड्स हैं। पेस्टेलिनो जो इसमें है सामने वो थोड़ा भी छोटा है, मोल्ड पे चला गया है। बाकी जो क्रीमिनोज आपको नज़र आ रहे हैं तकरीबन तैयार ही हैं, मोल्ड क्लियर करेंगे तो बर्ड्स रेडी हो जाएंगे। इनको भी ये देखें हमने नीचे जो है लूसन डाल दिया, तो ये भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा नहीं आ रहे, जैसे मैं थोड़ा दूर होऊंगा तो ये भी आ जाएंगे। व्यूअर्स, फॉस्टरिंग के लिए ये मेरे ज़बरदस्त फौज है, देख रहे हैं आप कितने प्यारे सन्नाटा बर्ड्स हैं, और मैं हर बंदे को यही रिकमेंड करता हूँ, इससे बेहतरीन फॉस्टरिंग जो है ना वो कोई पेयर नहीं कर सकता। ये सारे बॉन्डेड पेयर्स हैं मेरे, तो मैं यही जो है ना इंशाल्लाह यूज़ करूँगा इस साल भी फॉस्टरिंग के लिए। आप लोग भी अगर फॉस्टरिंग करना चाहते हैं तो प्योर जो है ना बस नाटा बर्ड लगाएं, मिक्स ना लगाएं, जो लोगों ने उनको फिशर के साथ मिक्स किया होता है वो ना लगाएं, प्योर नाटा बर्ड जो है वो लगाएं। एवरेज भी इनकी अच्छी होती है चिक्स की, और सेकेंडली जो है वो ये है कि बच्चे बहुत अच्छे पालते हैं, बर्ड का साइज़ जो है वो अच्छा होता है। एक और खूबसूरत बर्ड मैं आपको अपनी अभी का दिखाता हूँ, अभी चिक ही है, सेल्फ नहीं हुआ, वो है पारब्ल्यू यूविंग ऑफ लाइन, ये देखें सामने बैठा है, कितना प्यारा बर्ड है ये देखें, ये पारब्ल्यू यूविंग ऑफ लाइन मोल्ड पे है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बर्ड है। ऑफ लाइन्स में जो है ना बर्ड की खूबसूरती बहुत जो है वो और अच्छी हो जाती है,
जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात, वो हो जाती है। अपलाइन में बर्ड जो है वो बेहतरीन और प्यारा हो जाता है। इसके अलावा स्प्लिट टेल फेलो में हमारे पास एक दो और चिक्स भी हैं बड़े टॉप क्वालिटी में, मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। ये बर्ड देखें, पारब्ल्यू स्प्लिट टेल फेलो स्प्लिट अपलाइन का चिक है, ये जो सामने बैठा है जो खा रहा है क्या कहते हैं लूसन। ये इसकी मदर हैं जो आई हैं वॉलेट अपलाइन, और वो उसका फादर है पारब्ली ओपलाइन स्प्लिट टेल फेलो। तो ये इनका चिक है, बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त चिक है। ठीक है, ये पेल देखें कितना प्यारा है ओपलाइन वर्किंग का, वॉयलेट ओपलाइन इनटू ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्प्लिट ब्लू। प्योर अभी हमने ये जो है वो सफाई कर ली है इसकी क्या कहते हैं ट्रेस की, तो ये सारा अभी हम उठा लेंगे और नीचे से जो है वो अभी हम सारा जो है इसको वॉश आउट कर देंगे पाइप लगा के। तो मेरी भी आप लोगों को यही रिकमेंडेशन है कि बजाय इसके कि आप लोग झाड़ू से किया करें, उससे डस्ट उठती है, बर्ड में जो है वो सांस की बीमारी आ जाती है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप जो हैं वो पाइप से धो लिया करें अगर आपका जो है इस तरह का सिस्टम है। जब भी अपना शेड बनाएं ये ज़रूर रखें कि आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है ना धो लिया करें। ये पेयर है वॉयलेट ओपलाइन टेल फेलो इनटू ब्लू ओपलाइन टेल फेलो। इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे इनकी, और जिन्होंने अभी तक चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब आपके लिए आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ब्रीडिंग से रिलेटेड ही वीडियो शेयर करेंगे। कल हमारी वीडियो इंशाल्लाह आएगी आपके लिए बॉक्सेज इंस्टॉलेशन की, कुछ पेयर्स को हम लगा देंगे और फिर मैं आपको डेली बेसिस पे जो है ना डेली बेसिस पे फिर आप लोगों के साथ जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस शेयर की जाएगी, और इसके अलावा जो जो टिप्स वगैरह होती हैं ब्रीडिंग के लिए वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। एक ये देखें कितना प्यारा पेयर है, देखें ब्लू पेल फेलो स्प्लिट ओपलाइन इनटू वॉयलेट पेल फेलो स्प्लिट ओपलाइन, बहुत ही प्यारा खूबसूरत बर्ड। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को बर्ड जोन बाय आमिर को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ही मज़ेदार और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।